एनिमेट पे मोशन पाथ देखने वाले हैं, है ना, कि मोशन पाथ का कैसे यूज करना है, तो उसके लिए जो ग्राफिक्स है वो हम Adobe Illustrator से ले रहे हैं। ठीक, तो क्रिएट न्यू पे आ रहे हैं, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। शेप लेने के लिए कहाँ पे आ रहे हैं, विंडोज में आ रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सिम्बल्स। सिम्बल्स में हमें बने बनाए शेप्स मिलेंगे, है ना, जिनको हम यहाँ पे जाके एनिमेट में डायरेक्टली यूज कर सकते। कोई भी एक सिम्बल यहाँ पे ओपन कर ले, हालांकि जो हमें लग रहा है हमारा सिंबल है वो हमें नेचर में मिलेगा, और नेचर में हमने यहाँ पे एक बटरफ्लाई का सिंबल ले लिया। अरे ठीक, कुछ इस फॉर्म में बटरफ्लाई दिख रही है, इस पर कंट्रोलिंग हो हमारे लिए वहाँ पे, तो यहाँ पे ही हम उसको पहले लेयर्स पे क्या करते हैं, डिवाइड कर लें। ठीक, बाय डिफॉल्ट अगर हम F7 पुट करके लेयर पैनल खोल रहे हैं तो देख रहे हैं कि सारा कुछ एक ही जगह पे अवेलेबल है, है ना। तो सबसे पहले तो इस आउटपुट को हम ब्रेक करते हैं कि ये सिंबल के प्लेटफॉर्म से ब्रेक होकर नॉर्मल शेप में कन्वर्ट हो जाए। तो ब्रेक करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंबल पर आना है और यहाँ से डायरेक्टली जाके इसे क्या करना है, ब्रेक टू सिंबल कर दिया, राइट क्लिक करना है और इसे हम क्या कर रहे हैं, अनग्रुप। चेक करें कि अनग्रुप हुआ है, अभी भी लगभग ग्रुप के फॉर्म में दिख रहा है सारा शेप, एक बार फिर से अनग्रुप कर रहे हैं। अब देखें तो ये पोर्शन अलग हुआ है, ये पोर्शन अलग हुआ है, और ये मिड का पोर्शन ये दिख रहा है। आ रहा है, कंट्रोल जेड, तो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल जेड इस पोर्शन को लिया और लेयर पैनल पे आ रहे हैं एक न्यू लेयर के लिए, नाम दे देते हैं इसको लेफ्ट, और यहां से हमने इसको कंट्रोल एक्स किया, कट कर दिया, और इस लेयर पे जाके कंट्रोल एफ कर दिया, पेस्ट हो गया। ठीक है, इस वाले विंग्स को लिया, इसके कंट्रोल एक्स किया और न्यू लेयर फिर से हमने डिफाइन करी और इसको हमने दे दिया क्या, राइट, और इस लेयर पे आके कंट्रोल एफ पुट किया। बचा मिड वाला पोर्शन, इस पूरे का सिलेक्शन लिया और कंट्रोल जी करके पहले ग्रुप बनाया, कंट्रोल एक्स किया, पूरा रिमूव। ऑलरेडी ये लेयर इसी में अवेलेबल थी, बस कंट्रोल एफ कर देते हैं इसी लेयर पे और नाम दे देते हैं इसे क्या, मिड। तो तीनों सेक्शन हमने देखो अलग अलग लेयर पे क्या कर दिए, पुट कर दिए, है ना, और इस फॉर्म में यहाँ पे हमने अपने सिंबल को इस तरीके से क्या कर दिया, ब्रेक करके सेट कर लिया। कुछ और भी क्या सिंबल ले सकते हैं जो हमारे लिए वहाँ पे हमारी डिज़ाइनिंग में इफेक्टिव बैठ जाए। ठीक है, एक सिंबल तो ये इफेक्टिव था, और भी हैं कई सारे, अगर अपने वहाँ पे बैकग्राउंड को हमें कंप्लीट करना है तो डायरेक्टली यहाँ से भी डिज़ाइन बना सकते हैं पूरा पूरा। एक सिंबल हमने ये वाला भी यहाँ से ले लिया, बिल्कुल स्ट्रेट कर लें। इसके अलग अलग पोर्शन को हमें एनिमेट नहीं कराना, हमें ये सिंगल आउटपुट चाहिए यहाँ से, ठीक है ना। तो इसके लिए बस हमने इसको लिया, कंट्रोल एक्स किया, एक अलग लेयर पे इसे डिफाइन कर लें, कंट्रोल एफ कर लें, ठीक। ठीक है, और अलग अलग लेयर पे हमने बस इसको डिफाइन करके रखा हुआ है, बाद में हम इसको वहाँ पे क्या कर लेंगे, डायरेक्टली यूज कर लेंगे, है ना। और कोई अगर हमें एक अच्छा सिंबल दिख जाए, अगर सही है, फिर से ये अलग अलग सिंबल्स लिए, पहले जरूरी है कि मैंने ब्रेक कर दें, सबको ब्रेक जरूरी है, सबका सिलेक्शन लेके ब्रेक जरूर कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, और हर शेप को न्यू लेयर पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एक्स, पूरी तरीके से एक नई लेयर ले रहे हैं और कंट्रोल एफ पुट कर रहे हैं वहाँ पे। अभी भी ये ट्री इसी के अंदर है, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स, पूरी तरीके से नई लेयर, और कंट्रोल एफ पुट कर रहे हैं, कंट्रोल एक्स किया, पूरी तरीके से सिलेक्शन, और यहाँ पर आके न्यू लेयर लिया और कंट्रोल एफ। तो एक बार चेक कर लें, इसमें केवल रॉकेट का पोर्शन है, ये हमारी बटरफ्लाई शेप है, ठीक, वो बाकी अलग अलग एलिमेंट हमने ले रखे, सारा कुछ हमने ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो मिनिमाइज कर रहे हैं, फाइल को जाके सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर इलस्ट्रेटर का देखो यूज करते हुए अपने शेप को डिजाइन करेंगे, एनिमेट कराएंगे। तो सिंपली हमने इलस्ट्रेटर फाइल यहाँ पे क्या करी, सेव कर दी, ठीक है, जो साइजिंग वहां पे ली है वही सेम यहाँ पे ले रहे हैं, 720 और इधर 1280 रख रहे हैं।
इम्पोर्ट में जा रहे हैं और इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी में अपनी फाइल को इम्पोर्ट करेंगे। प्रॉपर यहाँ पे देखो लेयर्स के क्या बने हुए, पैटर्न्स बने हुए। नेमिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमने यहाँ पे नेमिंग डिवाइड कर रखी है। ठीक है, इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली लाइब्रेरी में आ रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है साइट पे। देखो ये हमारी एआई फाइल दिखा रहा है, वो डायरेक्टली ड्रैग कर ले यहाँ पे सीन पे कहीं पे भी, सही है। ठीक, अलाइन कर लेते हैं। बताया था विंडोज के अंदर अलाइन ऑप्शन यहाँ पे खुला हुआ है सेंटर, और यहाँ पे वर्टिकली हमने इसको यहाँ पे क्या किया, अलाइन कर लिया। ऑलरेडी हमें एक प्री डिफाइंड पहले से बना बनाया यहाँ पे सिंबल यानी एआई फाइल का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। डबल क्लिक करेंगे उस फाइल के अंदर, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। किस फाइल के अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो ये सारी शेप्स हैं इन सब की अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें बेसिकली यहाँ पे बटरफ्लाई शेप की भी रिक्वायरमेंट है, हमने वो एक्स्ट्रा ले लिए थे, लेकिन हमें लेफ्ट राइट और यहाँ पे कौन सा मिड, इस तीनों को एक साथ रख रहे हैं। लेफ्ट है, ये राइट है, और ये कौन सा शेप दिख रहा है हमें, मिड है ना, तो मिड वाले को भी ऑन करें। ये तीन शेप हमें यहाँ पे देखो नजर आ रहा है, एक्चुअल में तीन अलग अलग शेप हैं। ठीक, और हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमें इनका पहले एक प्रॉपर सिंबल मिले, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनको तीन अलग अलग लेयर्स में क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक, तो हम इनको लेयर्स में चाह रहे हैं, यानी इसका हम सिंबल चाह रहे हैं, कुछ नहीं करें, डायरेक्टली सिलेक्शन ले लें, जबकि ये सारे शेप देखो अलग अलग लेयर पे हैं, है ना। हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिया, सिलेक्शन, और यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, F8, और यहीं से डायरेक्टली इसका सिंबल बना रहे हैं। ठीक, और इसको हमने यहाँ पे सिंबल में कन्वर्ट किया। जैसे देखो हमने सिंबल में कन्वर्ट किया, बाकी की दो लेयर्स हमारी कैसी हो गई, ब्लैंक हो गई, है ना, यानी पूरा वो सिंबल एक सिंगल लेयर पे क्या हो गया, हमारा सेट हो गया। ठीक, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो वो फिर से हमारे वो शेप्स क्या हो गए, एक ही लेयर पे क्या हो रहे हैं, डिफाइन हो रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस करें, सिलेक्शन लें, और पाइवेट अगर हम यहाँ पे सेट करें सिंबल के अंदर, हम ये कर रहे हैं, और हल्का से देखो हमने यहाँ पे स्केलिंग करी, ऐसे इधर भी लें, इसको इधर सेट करें, सही है, एक दो आ रहा है। ठीक, फिर से एक सेम कॉपी ले लेते हैं, है ना, और फिर से इसी की कॉपी निकाल लेते हैं, लेकिन इस बार एंगल और चेंज कर देते हैं। ठीक, तो लगभग एक में एक्स कम है, फिर अगले में बहुत ज्यादा है, आ रहा है, पूरी कॉपी हमने यहाँ पे फिर से सेट करी, तो अंदर किस एनिमेशन को बढ़ा रहे हैं, अराउंड हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, 16 फ्रेम्स तक पहुंच गए हैं। फर्स्ट और लास्ट लगभग सेम रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ के बाद ये दिस उस सिंबल के अंदर हमने क्या दिया, ये मोशन क्रिएट किया है ना, बटरफ्लाई से बाहर आ रहा है। ठीक, ये ओवरऑल हमारी यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रही है, ध्यान से देखें अंदर हमने कितनी फ्रेम्स में बनाया, 17 फ्रेम्स में बनाया। ठीक, फिर से हम बाहर आ रहे हैं, ओवरऑल इसका सबसे पहले हम क्या चेंज कर रहे हैं, साइज। ठीक, कंट्रोल प्लस, यहाँ पे हमारा वो कंप्लीट 17 फ्रेम हो रहा है। ठीक है ना, 17 का जस्ट अगर डबल करें तो कितना हुआ हमारा, 34 है ना, फिर एक 17 का बेसिकली हम क्या लेंगे, गैप लेते चले जा रहे हैं, है ना। तो अभी फिलहाल हम अप्रोक्सीमेट कहाँ पे जा रहे हैं, 80 फ्रेम पे आ रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या पुट किया, इस बटरफ्लाई को हमने यहाँ पे F6 किया, सेम पोजिशन पे, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, है ना। अब हमें इसको जिस पाथ पे एनिमेट कराना है, इसी के जस्ट ऊपर हमने वो लेयर ली, आ रहा है। ठीक, और लेयर लेने के बाद सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो पाथ क्रिएट करेंगे, तो पाथ क्रिएट करने के लिए पेन टूल भी हमारे पास, ये डायरेक्टली हम क्या ले लें, पेंसिल टूल ले लें। ठीक, कंट्रोल माइनस करें, पाथ जो क्रिएट करना है कहाँ से क्रिएट करें, स्टार्टिंग फ्रेम से बिल्कुल ले लें, और जैसा भी पाथ हमें चाहिए वो हमने क्रिएट कर दिया। बहुत फ्री हैंड है, तो इसलिए डायरेक्टली एक अच्छा पाथ बने उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पेन टूल का यूज़ कर रहे हैं,
ताकि वो बात हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर वे में बने जैसा हम चाह रहे हैं। आगे ठीक, तो ये हमारा बटरफ्लाई का शेप है और ये हमारा किसका है, पाथ का शेप है। ध्यान रखें सिलेक्शन टूल ने बटरफ्लाई की स्टार्टिंग पोजीशन हमने रेंडमली यहाँ कहीं रखी हुई है भी। ठीक, और इसकी एंड पोजीशन हमने कहाँ पे रख दी है, इस साइड कहीं रखी हुई है। क्लियर, ठीक, क्या दे दें, क्लासिक ट्विंग। तो अभी ऐसा लग रहा है बस एक सिंपली वे में वो यहाँ से कुछ इस फॉर्म में क्या हो रहा है, मूव होते हुए जा रही है ना। हमें इस पाथ से अटैच करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इस क्लिप को ड्रैग करके हल्का सा इस पे जब ये लाइन दिखे छोड़ देना है। लेकिन उससे पहले हमें ऊपर की लेयर को राइट क्लिक करना है और किस में कन्वर्ट करना है, गाइड में, है ना। गाइड में कन्वर्ट करने के बाद अब इस बटरफ्लाई वाली लेयर को लेके बस हल्का सा इस पे ड्रैग कर देना है। वो अपने आप देखो स्नैप होने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी भी देखो वो बिल्कुल पाथ से कनेक्ट नहीं हुआ है, जबकि हमने उसको प्रॉपर वे में गाइड से क्या किया है, कनेक्ट किया है, है ना। कंट्रोल प्लस करें, व्यू में जाएं। अब ध्यान रखें कि स्नैपिंग के अंदर स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑप्शन ऑन होना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हमने इस ऑप्शन को ऑन किया, इसकी पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे एंड फ्रेम पे आ जाएं और लास्ट फ्रेम में इसको यहाँ से प्रॉपर उठा के सेट करें, ये सेंटर पॉइंट इससे मैच होना चाहिए। ठीक, तो अब ध्यान से देखो बटरफ्लाई हमारी उसी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रही है, पाथ के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे मूव होती हुई दिख रही है। एक ट्रांसफॉर्म टूल ले लें और क्लिक करें, प्रॉपर्टी पैनल पर आएं, यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलेगा क्या, ओरिएंट टू पाथ, इसे जरूर ऑन करें ताकि उसके एंगल में हम जो भी चेंजेस करें वो रीड करें उसे। कर दिया, ठीक, और लास्ट वाले एंगल को भी हम बिल्कुल परफेक्टली क्या करें, सेट करें। ठीक, कंट्रोल माइनस करें, जरा इसको चेक करें, देखो वो अपने उसी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग एंगल में भी अपने क्या कर रही है, वेरिएशन कर रही है। बाहर के सीन पर आए और इसे भी कहां तक ले लें, 80 फ्रेम्स तक क्या कर दें, F5 करें, कंट्रोल इंटर करें। ठीक है, एक सिंबल बनाया, सिंबल के अंदर पहले बटरफ्लाई का फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है, फिर क्लासिक ट्विन के थ्रू उसको पास से क्या किया हमने, कनेक्ट किया हुआ, और फिर से हम बाहर आ गए, वो भी एक ऑलरेडी क्या बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है। तो सीन वन जो हमारा है वो देखो बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा लेयर्स हमने नहीं लिए, हमने ये एलिमेंट भी लिए हुए थे, है ना। लेने का पर्पस बस क्या था कि अगर हमें बैकग्राउंड में कुछ देना डिफाइन करना है, देन हम यहाँ पे ये पोर्शन दे के उस बैकग्राउंड की फिलिंग को और प्रॉपर कर सकते। मान लो हमने बैकग्राउंड के फॉर्म में एक यहाँ पे ट्री का ही पोर्शन दिया। ठीक, अब इसकी लेंथ तो केवल 1 तक है, तो इसको भी कहाँ पर ले लें, हम क्लिक करके F5 करें तो एंड तक ही ट्री दिखेगा हमारा। इस टाइप के छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड करके हम अपने उस मोशंस की प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, केवल डायरेक्टली यही मेंशन करोगे देन इश्यूज। अगर बैकग्राउंड के साथ हम ये मोशन दिखा रहे होंगे तो हमने कहा कि हमारी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी वो हमें हाइड होती हुई नजर आ रही होंगी। सेम सिचुएशन किस पे आ सकती है, ठीक, इस लेयर को हमने यहां पे रखा, एक ही लेयर में क्या ये नहीं, ये अलग है, दिख रहा है, और लगभग साइज भी हम इंक्रीज करें, डाउन करें, ठीक, और इसकी भी लेंथ हम कहाँ पे रखें, F5 करके यहाँ तक रखें, सही है। और कौन सी लेयर हमारी हाइट है देखते हैं, जरा यहाँ पे इस लेयर को ड्रैग करके जरा इसके टॉप पे करें ताकि ऊपर आए, यहाँ पे शेप रखें ताकि ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो, इसको कवर करें, ठीक। और लेंथ वाइज इसको भी हमने यहाँ पे क्या रखा है, F5 किया ताकि यहाँ तक वो शो होता रहे। बचा हमारा रॉकेट, रॉकेट को फिर से इसलिए लिया ताकि एक बार हम फिर से शेप पाथ दिखा पाए तुम्हें। तो ये रॉकेट की लेयर मान लो इसको भी हमने ऊपर ही ले लिया, है ना, और रॉकेट की पोजीशन बस हम इस बार यहाँ पे रखें, ट्रांसफॉर्म टूल लें और साइज हम क्या कर दें, ठीक ठाक, जितना भी हमें देना है इतना सही लग रहा है, है ना।
और इस रॉकेट के ऊपर ये ऑलरेडी एक लेयर है, इसमें बस क्या करें, जो ये वाला पार्ट है ना इसी को कॉपी करके फिर से लगा लें, दिख रहे हैं? ठीक, रॉकेट दोनों को पहले यहाँ पे ला के लास्ट फ्रेम तक क्या करें, F5 कर दें, जिसमें रॉकेट है उसमें क्या करें F6 कर दें, राइट क्लिक करके क्या दे दें, क्लासिक दे दें, सिंबल में कन्वर्ट नहीं किया वो ऑलरेडी कन्वर्ट कर देगा इसे हमारे लिए, ठीक। और यहाँ पे लेने के बाद बस लास्ट फ्रेम में आके रॉकेट की पोजीशन को हमने बस उठा के कहाँ पे रख दिया, इधर रख दिया, तो अभी तो मोशन ऐसा दिख रहा है, सही है। ठीक, पाथ दोनों में हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया है ना, तो बस यहाँ पे जाके ड्रैग कर देना है, रॉकेट की ये पोजीशन उसी पाथ से कनेक्टेड है और अगली पोजीशन हमने इधर कर दी, पाथ यहाँ पे कवर हो रहा है, देखो तो एक बटरफ्लाई उधर से इधर आ रही, रॉकेट इधर से उधर जा रहा है, पाथ दोनों का हमने क्या कर दिया है, सेम कर दिया है ना। फिर से स्टार्टिंग फ्रेम पे आ जाए और यहाँ पे भी इसका ओरिएंट टू पाथ ऑन रखें, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसा सेट कर रहे हैं, तो ठीक ठाक उसी डायरेक्शन में एंगल सेट करें, लास्ट का भी पॉइंट का एंगल हमें सेट करना सही जरूरी है, तभी वो बिल्कुल प्रॉपर ओरिएंट में आएगा है ना। तो इसको हमने यहाँ से ला के पूरी तरीके से रोटेट करा दिया, आ रहा है, कंट्रोल इंटर करके देखें, हमने कहा कि यहाँ पे जो रॉकेट शेप है वो कहीं ना कहीं अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो कैसा है, बहुत ज़्यादा बिग, तो ऐसे साइजिंग करके अपनी हम प्रॉब्लम को कम दिखा सकते हैं। स्टार्टिंग में जा रहे हैं और इधर अगर आ जाएं तो यहाँ पे भी हमें ये साइज़ बहुत हैवी लग रहा है, अभी सही है, अभी भी लगभग ठीक ठाक गया है, कंट्रोल इंटर करके चेक करें, देखो अब प्रॉब्लम कम दिख रही है हमारे रॉकेट में, क्योंकि हमने उसके साइज में क्या कर दिया थोड़ा सा वेरिएशन, तो अपने एनिमेशन को अगर उसकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कम दिखाना है सामने, तो पहले तो प्रॉपर बैकग्राउंड की फीलिंग हो, प्लस हम किस साइज में उसके एनिमेशन को क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, फिलहाल मोशन पाथ क्लियर कर रहे हैं कि किस तरीके से मोशन पाथ को हम क्या कर रहे हैं यूज में ला रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पत्थर अगर पीछे हो जाता है, यानी ऊपर हो जाता है इन सब के, तो ये पत्थर किस में है हमारा, इस लेयर पे, इनको सबसे टॉप पे कर दिया, तो वैसा लगेगा कि बटरफ्लाई और रॉकेट सब पत्थर के पीछे से आ रहे हैं, तो जो एक जर्क हो रहा था वो खत्म कर दिया देखो हमने यहाँ, है ना, क्योंकि वो अचानक चेंज होते हुए दिख रहा था, अब तो ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे छुप जा रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से वो जर्क हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मोशन पाथ समझ में आ रहा है, आगे कई जगहों पे यूज़ करने वाले हैं तो और क्लियर होगा, है ना। सिंपली ग्राफिक्स को हमें एक पाथ से कनेक्ट करना होता है, जिससे हमें मैनुअल कीज नहीं देने पड़ते हैं और हमारा एनिमेशन बहुत इजीली वे में उसी पाथ पे क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक, तो कई सिचुएशन में एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, है ना, कार जो किसी रोड पे टॉप व्यू से हम दिखा रहे हैं कि अलग अलग पाथ से होते हुए निकल जा रही है, उन सब सिचुएशन में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, मोशन पाथ।